हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको आज इस प्रोजेक्ट में मैं बताऊंगा आपको कि दो मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। दो तो डिफरेंट डिफरेंट मोटर को चलाना है। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको एक सिंगल मोटर चलाने के लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो मोटर कैसे चलानी है एक साथ। और इसके अगले वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा मैं आपको कि दो मोटर को इंटरलॉक कैसे करना है एक दूसरे से। X0 X1 मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ Y0 आउटपुट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ X2 X3 और यहाँ पे आउटपुट Y1। मैं इसको कमेंट देता हूँ। PB1 ऑफ PB1 ऑन PB2 ऑफ PB2, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट है Y0 मोटर 1 मोटर 2। चलो इसको मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ रन करके। अब हमारा प्रोग्राम कैसे रन करेगा इसमें अभी मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको। अभी ये मोटर ए हमारी डायरेक्ट चलेगी। अभी मैंने इसमें आपको होल्डिंग दे दी है। जैसे मैं होल्डिंग दूंगा उसको भी दिखाऊंगा मैं। आपको कमेंट शो कर देता हूँ बाद में। देखो अब मेरे पॉइंटर पे देखो, आप माउस के कर्सर पे देखो। आप फर्स्ट है, जैसे मैं X0 मोटर बटन दबाऊंगा मेरा मोटर Y01 ऑन हो जाएगी, हमारी Y0 ऑन हो जाएगी। लेकिन जितनी देर तक तो मैं दबा के रखूंगा उतनी देर तक तो ही मेरी मोटर ऑन होगी। जैसे मैं X0 को छोड़ दूंगा तो मेरी क्या होगा, देखो अभी देखो, मैंने X0 को ऑन किया हुआ तो मेरी मोटर एक ऑन हो रही है। अब इस कंडीशन देखो, जब तक मैं दबा के रखूंगा, अब जैसे ही मैंने X0 को ऑफ कर दिया, जैसे ऑफ कर दिया मोटर हमारी ऑफ हो गई। सिमिलरली क्या है इस केस में देखो, जैसे मैंने X2 को दबाया हमारी मोटर दूसरी ऑन हो गई, ठीक है। अब और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मोटर हमारी दूसरी ऑन हुई, अब जैसे हमने इसको छोड़ दिया पुश बटन, तो हमारी मोटर क्या हो गई, बंद हो गई। तो अब इसकी एक होल्डिंग देते हैं हम। चलो ठीक है, इसकी होल्डिंग देते हैं। यहाँ पे मैं एक रो इन्सर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपको एक एक स्टेप दिखा के कर रहा हूँ। मैंने एक होल्डिंग दे दी पहले मोटर की। अब देखो आप, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, दोबारा फिर सिमुलेट करते हैं। अब डिफरेंशिएट देखना दोनों मोटर में। अभी देखो, अभी जैसे मैंने X0 को एक बार ऑन किया, अभी देखो X0 जब तक दबा के रखूंगा ऑन है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ कर दिया फिर भी मेरी मोटर रन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने Y0 होल्डिंग दे रखी है Y0 मोटर वन की। जैसे ही अब देखो, अब दूसरी मोटर देखो आप, दूसरी मोटर मैंने X02 को ऑन किया, मेरी मोटर ऑन हो रही है, चल रही है। अब जैसे ही मैं X0 को ऑफ करता हूँ तो हमारी दूसरी मोटर क्या हो रही है, बंद हो जा रही है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि हमें सेकंड मोटर के लिए भी होल्डिंग देनी पड़ेगी। सिमुलेशन ऑफ करता हूँ मैं, वापस यहाँ पे एक होल्डिंग लगाता हूँ मैं सेकंड मोटर के लिए Y1, ठीक है। मैंने दोनों मोटर के लिए होल्डिंग लगा दी, सॉरी। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट मोटर मैंने ऑन किया, अब मैं उसको ऑफ करता हूँ।
ऑफ कर दे। फिर भी देखिए मेरे मोटर ऑन है। अब सिमिलरली सेकंड में देखते हैं हम, सेकंड को मैंने 102 को दबाया, ऑन हुआ, 02 को छोड़ दिया मैंने, ऑफ हो गया। लेकिन हमारी दोनों मोटर देखो रन हो रही है। तो ये था टू पुश बटन कंट्रोल सिस्टम फॉर ए सिंगल मोटर। एक मोटर को मैंने दो बटन दिए हुए हैं, X0 X1, ऑन के लिए ऑफ के लिए। और सिमिलरली मोटर टू के लिए भी मैंने X02 और X03 दिया हुआ ऑन ऑफ के लिए। ये था बेसिक सिंपल। अभी पिछले वीडियो मैंने आपको सिंगल मोटर के लिए दिखाया था, जैसे एक मोटर थी मेरी, एक मोटर के लिए था मेरा लास्ट वीडियो। इस वीडियो में मैंने दो मोटर दिखाया। अब अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि एक मोटर की इंटरलॉकिंग दूसरी मोटर से कैसे करनी है। सॉरी कि मैं एक मोटर चलाऊं तो दूसरी मोटर ना चले, या फिर दूसरी मोटर चलाऊं तो पहली मोटर ना चले, या फिर दोनों को ऑन कर दो तो कोई ना चले। एक कंडीशन, इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बेसिक से बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको बेसिक से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आए जो कि मैं हार्ड में आपको बता सकूं, वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मैं उस चीज़ को हार्ड में पेपर पेन कॉपी पे भी बता सकता हूँ, ट्राई करूँगा करने की। बाकी सॉफ्ट में प्रोग्राम आपको कोई भी बनाना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब मुझे इसको ऑफ, मोटर को एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि ऑन तो कर दिया मैंने, अब मोटर को ऑफ करना क्या करना पड़ेगा आपको, X0 को प्रेस करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे X3 लिया मैंने, ऑफ किया मैंने, देखो तो ऑफ किया मैंने, मोटर ऑफ हो गई। दोबारा इसको ऑन कर दूंगा तो मोटर हमारी ऑन नहीं होगी क्योंकि इसको स्टार्टिंग कंडीशन अभी नहीं मिल रही है। तो ये था टू मोटर कंट्रोलिंग सिस्टम। बाकी इसका इंटरलॉकिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबको वॉच करें स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी मैं बेसिक्स बताता हूँ, बाकी सारी वीडियोज मेरी हिंदी में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।